रक्षाबंधन के पावन दिन पर जहां देश भर में हर्षोल्लास का माहौल रहा, हर घर में राखी के त्योहार को बहन भाई ने खुशियों के साथ मनाया, वहीं इन सबसे अलग देश की सीमा पर तैनात देश के वीर सैनिकों के घर पर उदासी भी छाई रही और गर्व भी महसूस हुआ। सैनिकों के घर की दहलीज पर खड़े होकर परिवार और बहन इंतजार करती रही कि शायद भाई को छुट्टी मिल जाए और वह अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए घर आए। लेकिन भाई परिवार के त्योहार से ज्यादा देश के लिए समर्पित होकर देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए देश की सभी बहनों की रक्षा कर रहा है। ऐसे ही परिवारों के बीच बीते कल रक्षाबंधन के दिन अपना नीमच की टीम पहुंची और उन्होंने सैनिकों के घर पहुंचकर भाई के नहीं होने की उदासी और देश के लिए समर्पित होने का गर्व बहन की शब्दों में और परिवार की आंखों में महसूस किया। नीमच के समीप स्थित है अड़मालिया गांव, जहां से 3 सिपाही देश की अलग अलग सीमाओं पर तैनात हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची विजेंद्र सिंह सक्तावत के घर। विजेंद्र सिंह सक्तावत वर्तमान में सियाचिन में पदस्थ हैं और उनकी बहन पूजा घर पर राखी की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी। बड़ी बात यह है कि पूजा के पति भी सेना में हैं और वह कारगिल में पदस्थ हैं। बहन पूजा ने बताया कि मुझे मेरे भाई और पति का हर त्योहार पर इंतजार रहता है, लेकिन देश की रक्षा भी जरूरी है, इसलिए त्योहार पर उदासी के साथ गर्व भी महसूस होता है। मेरे भैया का नाम विजेंद्र सिंह सक्तावत अड़मालिया है, वो फौज में है, वो सियाचिन बिलासपुर में है और हमें लग रहा है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ऐसा लग रहा है कि भैया छुट्टी क्यों नहीं मिली, छुट्टी पे क्यों नहीं आए घर पे, और वो होते यहाँ पे तो हम राखी खुशी से मनाते, त्यौहार अच्छा मनता है, अब नहीं है तो वो अभी फौज में। मुझे मेरे हस्बैंड में भी गर्व है कि वो फौज की सेवा में है और देश की रक्षा कर रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो हम भी गांव में अच्छी तरह से बैठे हैं, शहरों में सब अच्छी तरह से रह रहे हैं। विजेंद्र सिंह सक्तावत पर मजे वो कारगिल सियाचिन में है और वो 13 राइफल राजपूत ठिकाना है और वहाँ पर आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। फिर हम पहुंचे कुलदीप सिंह के यहाँ पे। चिकन पॉक्स की बीमारी के कारण कुलदीप को इस बार राखी पर छुट्टी तो मिल गई, लेकिन चंद घंटों की। राखी बंधवाने के कुछ ही मिनटों बाद कुलदीप को अपना सामान लेकर वापस अमृतसर के लिए निकलना पड़ा। कुछ घंटों की राखी में जहां कुलदीप के घर में खुशियां छाई रही, वहीं देश की रक्षा के लिए पुनः लौटने की बारी आई तो बहने माँ और पिता की आंखें नम हो गई, लेकिन वह भी फख्र से बोले, हमें गर्व है हमारा भाई हमारा बेटा सेना में है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ और अभी मैं पोस्टेड बबीना में हूँ। बहुत खुशी हुई 4 साल के बाद आज मैं अपनी बहनों के साथ त्यौहार मना पा रहा हूँ। कभी कभी मौका ऐसा होता है या परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि छुट्टी नहीं मिल पाती है, जिससे कि हमें देश की रक्षा के लिए कहीं भी बॉर्डर पर तैनात होना पड़ता है। जैसे कि आज की हालत में बाढ़ आ रही है तो बहुत से हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो इस समय अपने घर पर अपनी बहनों के साथ त्यौहार नहीं मना पाए। हमारे गांव में भी 2 भाई हैं मेरे, एक विजय सिंह और एक आज़ाद मेनाजिया, जो इस समय गांव में उपलब्ध नहीं है, और हमारे बड़े भाई साहब अनूप सिंह जी जो सीआरपीएफ में हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए अपने देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है। मैं राजकुमार, मैं कुलदीप सिंह जी की बहन हूँ। 4 साल में पहली बार भैया राखी पे यहाँ पे उपस्थित थे, हर बार नहीं रह पाते हैं वो हर बार नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस बार हमें खुशी है कि वो भैया यहीं पे है और राखी का त्यौहार हम मना पा रहे हैं। लग रहा है और ये त्यौहार मना के खुशी हो रही है और एक मन में अच्छा लगा कि दादू से ऐसा राखी पे रह पाए, पर बस अभी निकलने वाले हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है, दादू से रुकते अच्छा लगता, पर कोई नहीं, ये देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, एक गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे देश की सारी बहनें जो आज ये सारे भाई सेना में अपने वहाँ पर रह के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। फिर हम पहुंचे आजाद नागदा के घर,
जिनकी बहन तो नहीं है लेकिन पिता और दादा की नम आंखें हर त्योहार पर अपने बेटे का इंतजार करती हैं। उन्होंने बताया कि केवल राखी ही नहीं होली और दिवाली भी बेटे के बिना सुनी निकलती है, लेकिन गर्व है हमारा बेटा सेना में है और देश की रक्षा के लिए तैनात है। इस बीच आजाद के दादाजी आजाद के त्योहार पर नहीं होने के कारण भावनाओं में बह गए और उनकी आंखों में आंसू भी तक आ गए। आजा हमारा बच्चा है जो सेना में है, हम उनकी रक्षा बंधन में इंतजार करते हैं, पर सेना में छुट्टी नहीं मिलती। आज रक्षा बंधन है, छुट्टी की कमी तो है लेकिन फिर भी वह देश की रक्षा के लिए गया तो उसका मन भी गर्व है। तो कुछ इस तरह से वीर जवानों के घर पर बनी राखी के त्योहार को हमने महसूस किया और ये अनुभव काफी सुखद रहा। अपना नीमच के लिए संजय यादव।